नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्ध भूषण गायकवाड़ आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का और महत्वपूर्ण केंद्र था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार में पटना से 88 किलोमीटर दूर स्थित है। भारत भ्रमण करने आए चीनी यात्री व्यंगसंग और यत्संग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय की विस्तृत से जानकारी मिलती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। मतलब इस विश्वविद्यालय में छात्रों को रहने के समय खाना शिक्षा मुफ्त था। उस समय यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी और लगभग 2,000 अध्यापक थे। और इस विश्वविद्यालय के कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, मंगोल, पेरिस, श्रीलंका और दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। अब हम देखते हैं इस विश्वविद्यालय का नामोनिशान क्यों मिट गया और क्या कारण थे। इस विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया गया था और सिर्फ 2 बार ही इसे पुनर्निर्मित किया गया था। इसका पहला विनाश स्कंदगुप्त के शासन के दौरान हुआ था। दूसरा विनाश 7वीं शताब्दी के शुरुआत में गोदास ने किया था। इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने नालंदा की मरम्मत कराई थी। लेकिन तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 में तुर्क सेनानी इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। और इसकी वजह से कई धार्मिक ग्रंथ जल गए और बौद्ध धर्म को सैकड़ों सालों तक झटका लगा, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में पूरी तेजी से फैल रहा। अब हम देखते हैं उस संघ की बख्तियार खिलजी ने विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया। उस समय बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ा था। उसने हकीमों से बहुत इलाज कराया लेकिन उसका इलाज कोई भी हकीम कर नहीं पाया और वो मरने के स्टेज पर पहुंच गया। तभी उसी किसी ने सलाह दी कि वे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य श्री भद्र को दिखाए, लेकिन खिलजी उसके लिए तैयार नहीं था। उसको हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए श्री आचार्य भद्र को बुलवाना ही पड़ा। लेकिन बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई कौन सी भी दवाई नहीं खाऊंगा और दवाई के बिना भी उसे ठीक करें। और वैदिक राज ने उसकी शर्त को मान लिया। और कुछ दिनों के बाद खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुँच गया और कहा कि इस कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से लेकर इतने तक पढ़ लीजिए, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने कुरान को पढ़ा, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय के श्री भद्र ने उस कुरान के पन्नों पर दवाई का लेप लगाया था और बख्तियार खिलजी उन पन्नों को थूक के साथ पलटता गया और कुरान को पढ़ा, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उस पन्नों पर दवाई का लेप लगाया गया था। जैसे जैसे वो थूक के साथ उस पन्नों को पलटता था, उस पर लगी दवाई उसके पेट में जाती थी। कुछ समय में खिलजी ठीक हो गए, लेकिन कुछ समय बाद उसे ये तथ्य पता चला तो वो परेशान हो गया। वो सह नहीं पाया कि भारतीय विद्वान और उस नालंदा विश्वविद्यालय के बौद्ध आचार्य को हकीमों से ज़्यादा ज्ञान था। फिर से उसने वैश्विक ज्ञान, आयुर्वेद और बौद्ध धर्म के ग्रंथों को जड़ से नष्ट करने का फैसला लिया और खिलजी ने नालंदा के महान पुस्तकालय को आग लगाई, जिसमें ग्रंथ, विज्ञान, आयुर्वेद, गणित और सब कुछ जानकारी थी। नालंदा के इस पुस्तकालय में 90 लाख से ज़्यादा ग्रंथ थे और ये सभी किताबें लगभग 3 महीनों से ज़्यादा जलती रही। उसके बाद खिलजी के आदेश से तुर्की सेना ने नालंदा के हज़ारों धार्मिक विद्वानों और हज़ारों भिक्षुओं की हत्या कर दी। अगर आपको इस बात पर भरोसा ना आए तो आप खिलजी की किताब तबाकत ए नासिरी पढ़ सकते हैं। इस किताब को फारसी इतिहासकार मिनाज उद्दीन सिराज ने लिखा है। मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह और भी ऐसी जानकारी पाने के लिए नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।